मेरा नाम जीतू तिवारी है, मैं ग्रामगढ़ा बागेश्वर धाम का रहने वाला हूँ। अभी दो से ढाई घंटे पहले मेरे घर पे सालिग्राम गर्ग, बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई सालिग्राम गर्ग ने घर में घुस के हमारी माँ बहन और भांजी के साथ मारपीट की है। हम थाने आए हैं, थाने में कोई FIR नहीं लिखी जा रही है, ना ही उस छोटी सी एक छोटी सी FIR लिख दी उन्होंने गाली गलौज की, और कुछ नहीं लिखा जा रहा है। अब हमारी भांजी का साथ गलत किया इन्होंने, कपड़े फाड़ दिए, गंदी गंदी गालियां दी, नाबालिग भांजी है हमारी, और हमारी बहन का हाथ तोड़ दिया, हमारी माँ को मारा, हमारे पिता को मारा, हमारी सभी पूरे घर को मारा है, हम घर पे थे नहीं। अचानक आए, इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। घटना की वजह यह है कि ये कहते थे कि हमारे साथ रहो, हम इनके परम मित्र हैं, ये कहते थे हमारे साथ रहो और जो भी हम करेंगे वो तुम भी करो। ये नशा करते हैं, दारू पीते हैं, बहुत से कुकर्म करते हैं। हमने इनमें इनके साथ रहना बंद कर दिया था, जबरदस्ती कर रहे थे। कल इनका फोन आया कि आओ, हम नहीं गए तो इन्होंने हमारे घर में आकर आज मारपीट कर दी। अब आप लोग बताओ हम क्या रहे, क्या कोई नहीं है हमारा, ना कोई हमारी सहायता कर रहा है, ना कोई हमारी मदद कर रहा है। अब फर्जी केस लगवाने की सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर फर्जी केस लगवाएंगे, झूठे आरोप लगवाएंगे, हमें जेल पहुंचा देंगे या जान से मरवा देंगे, कुछ भी कर ले, लेकिन मैं इस व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, इसने हमारी माँ को मारा है, हमारी बहन को मारा है। इस व्यक्ति को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए।